जानवी मंजिल चला था अकेला, मगर लोग आते गए कारवां बरपाई का यस 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 विराट का। हकीकत यह है कि 2014 से पहले हमारे बारे में, भारतीय जनता पार्टी के बारे में, मोदी जी के बारे में, मोदी जी के बाद के बारे में अनेकों भ्रम और अनेकों गलत फहमियां कांग्रेस ने फैला करके रखी, क्योंकि तकसीम की सियासत से वो अपने आप को जिंदा रखे हुए, हिंदू को मुसलमान के खिलाफ करना, मुसलमान को हिंदू को। अब 10 वर्षों में ये परखा है इस मुआशरे में, यहाँ जिस जगह हम खड़े हैं, यहाँ हर तबके के लोग हैं, वो आपसी भाईचारे के साथ रहते हैं, जो उनकी कुदरती विरासत में है, लेकिन कांग्रेस ने इसको बिगाड़ने की कोशिश। आज इन 10 वर्षों में जितनी तरक्की इस इलाके में हुई, उससे गुजश्ता 50 सालों में नहीं। हालांकि यहाँ से MLA रियासत के वजीर रहे, यहाँ के MP मरकज में वजीर रहे, लेकिन यहाँ पर पहला डाकखाना 2014 के बाद खुला, ये इस हालत रही। आज यहाँ सड़कों पर जाल बिछा, PMGSY की पूरे जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा अगर सड़कें बनी तो उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बनी जो भद्रवाह कॉन्स्टिट्यूएंसी में आता है। और आज जो अगर मोदी जी की स्कीमों का फायदा पहुंचा है तो हर घर में पहुंचा, बिना ये सोचे हुए कि मजहब है कि धर्म है कि जात है। अगर गैस का सिलेंडर पहुंचा तो ये नहीं पूछा गया घर हिंदू का मुसलमान का, अगर कच्चे मकान को पक्का बनाया गया तो ये नहीं पूछा कि किसका है मजहब क्या धर्म क्या। इसलिए लोगों का एक विश्वास जागा, यकीन जागा है, उन्हें लगता है कि इंसाफ पसंद निजाम सिर्फ और सिर्फ मोदी जी दे सकते हैं।